तेरे बच्चों चलिए पहला का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला का तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू। हम क्या बोले प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, रूट टू, और बिना एक्स वाला क्या है, फाइव रूट टू। आप उसको गुना करो तो रूट टू और रूट टू का गुना कितना होता है, सिर्फ टू होता है, और पांच, तो पांच दुना का दस, यानी इसको गुना करने पर क्या आ रहा है बच्चों, दस आ रहा है। यानी कि आप चीजों को समझिए, तो रूट टू और रूट टू को गुना करते हैं हमेशा क्या आता है, टू। रूट पांच को रूट पांच से गुना करना होगा, आंसर करेंगे पांच। रूट आठ गुना रूट आठ का वैल्यू कितना होता है, आठ, तो ये मिलके टू बचा और पांच ऑलरेडी पहले से था, तो फाइव टू जा टेन। प्यारे बच्चों अब टेन को इस तरीके से हमको गुना भागा करना है, तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, सात आना चाहिए। तो आपको दिख भी रहा है कि दो और पांच, तो दो और पांच मिलके हो जा रहा है सात। तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स कितना हो जाएगा, सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर में जीरो। अब उसके बाद आप देखिए, जैसा कि प्यारे बच्चों अभी हम लोग पढ़े कि रूट टू और रूट टू को मिलने से दो बनता है, रूट टू और रूट टू को मिलने से दो बनता है, तो प्यारे बच्चों इसका उल्टा भी सही है। दो को हम लोग रूट टू और रूट टू तोड़ भी सकते हैं जरूरत के हिसाब से। क्यों जरूरत के हिसाब से पढ़ा, क्योंकि यहां रूट टू है, यहां तो रूट टू दिख नहीं रहा है, तो क्या कॉमन लेंगे, इसलिए प्यारे बच्चों रूट टू एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे प्लस इस दो को तोड़ सकते हैं, रूट दो गुना रूट दो, इस दो को तोड़ दिए गुना में और एक्स, फिर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो। प्यारे बच्चों अब आपको नजर आ रहा है कि रूट टू दोनों में है, एक्स और एक्स दोनों में है, तो क्या कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट टू एक्स कॉमन हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, एक्स प्लस एक रूट टू तो कॉमन हो गया, तो एक रूट टू तो बच जाएगा, और चूंकि ये वाला एक्स बाहर हो गया कॉमन, तो ब्रैकेट में इसको करेंगे। प्यारे बच्चों जो ब्रैकेट में जो करते हैं उसको थोड़ा सा जगह छोड़ के वही चीज उतारते हैं, एक्स प्लस रूट टू उतार दिए। अब प्यारे बच्चों आप ये समझिए कि हमको लाना है फाइव एक्स और यहां है एक्स, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो प्लस पांच से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये प्लस फाइव एक्स होगा और बराबर कितना प्यारे बच्चों, जीरो। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसको और इसको एक साथ लिखा जाता है, यानी कि रूट टू एक्स प्लस फाइव ब्रैकेट एक्स प्लस रूट टू बराबर कितना प्यारे बच्चों, जीरो। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं इसको दो बार, एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो करने के बाद आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। यहां तक के हम हिंट्स कर दिए प्यारे बच्चों। चलिए अब जरा चलते हैं पहले के चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि पहला में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पांच है, तो हम लोग पांचवें चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला का जो चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट बराबर जीरो। प्यारे बच्चों यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि वन के नीचे क्या है, बटा में आठ, तो वन के जितना बटा में रहता है उससे दोनों तरफ गुना करते हैं, तो यहां लिखना पड़ेगा आठ से दोनों तरफ गुना करने पर। तो इधर अगर हम लोग आठ से गुना करेंगे सब में, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बटा आठ बराबर जीरो गुना आठ। प्यारे बच्चों हम क्यों आठ से गुना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को गुणनखंड करने में अभी प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ आठ आठ से गुना करा दिए हैं। तो आठ दुना का सोलह एक्स स्क्वायर, आठ को माइनस एक्स से गुना करेंगे माइनस आठ एक्स, और आठ को वन बाई आठ से गुना करेंगे तो आठ और आठ कट जाएगा, एक बचेगा, और जीरो को आठ से गुना करने पे जीरो। प्यारे बच्चों अब आराम से हम लोग कर सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर के बगल में दिख रहे हैं सोलह और बिना एक्स वाला देख रहे हैं एक, तो 16 और 1 का गुणा करेंगे तो 16, और 16 को इस तरह से इसको गुणा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना है,
माइनस आठ है। तो देखते हैं, तो इसको अगर करेंगे दो अठे सोलह, दो चौका आठ, दो दूना का चार। प्यारे बच्चों अगर हम तीन ठोका ले, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ और दो ले तो आठ दो दस मिल, आठ और दो मिलके दस होता है, आठ और दो घटाएंगे तो छह आता है। जरा दो दो का लेते हैं, दो दूना चार और दो दूना चार, तो चार और चार मिलके आठ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको सोलह एक्स स्क्वायर, चूंकि माइनस होना चाहिए तो माइनस चार एक्स प्लस वन बराबर जीरो। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहां यहां क्या कॉमन हो रहा है, तो सबसे पहले चार कॉमन होगा, एक्स भी कॉमन होगा, तो यहां क्या बचेगा चार एक्स माइनस एक। अब जो चीज ब्रैकेट में है प्यारे बच्चों वहां पे भी हम लोग 4x माइनस वन लिख देंगे। अब ये चीजें यहां लिखने के बाद अब यहां जो खाली जगह छोड़े हुए हैं यहां हम लोग को क्या पुट करना होगा, तो 4x नहीं चाहिए हमको, माइनस 4x चाहिए, तो माइनस एक से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना प्यारे बच्चों माइनस 4x आएगा, और आप चेक कर लीजिए माइनस माइनस वन भी आना चाहिए बराबर जीरो। इस तरीके से इसका जो गुणनखंड आया प्यारे बच्चों क्या आया, 4x माइनस वन और फिर से 4x माइनस वन, प्यारा बच्चों जीरो। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको दो पार्ट में करेंगे, इतना बराबर जीरो और इतना बराबर जीरो, और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हिंट्स के तौर पे था हम लोग यहाँ पे। इस क्वेश्चन में याद रख लीजिएगा कि आठ से दोनों तरफ क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, गुना किया जाता है। चलिए आगे हम लोग अगर बात किया जाए तो आगे बढ़ते हैं पहला के लास्ट क्वेश्चन पे, पांचवा नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। आप देख पा रहे होंगे कि हमको x स्क्वायर के बगल में कितना है 100 और बिना x वाला कितना है 1, तो 100 और 1 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा 100, और 100 को इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ना है कि हमको जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 20, तो जोड़ने और घटाने पर 20 आना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि कितना पे तोड़ेंगे, तो 2 50, 2 25, 2 2 से नहीं लगेगा सॉरी 5। अब आप देखिए तो कितना कितना में तोड़ेंगे, तो 2 दूना का 4 और 25, 25 और 4 में अगर तोड़ेंगे तो 25 और 4 29, तो 29 तो नहीं लाना है हमको, लाना है 20। तो और जरा दिमाग लगाएंगे, 25 में से 4 घटाएंगे तब पर भी 19 नहीं आने वाला है, 21 आ जाएगा। तो अब जरा समझते हैं, 2 और 5 को लीजिए, 2 पच्चे 10 और ये वाला 2 पच्चे 10, तो 10 और 10 मिलके हो जाता है 20। तो यही ट्रिक अपनाएंगे और यहां पे लिखेंगे 100x स्क्वायर, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे माइनस 10x माइनस 10x, क्योंकि इसको दो पार्ट में तोड़ने से कितना आ रहा है माइनस 20x आ रहा है। अब जरा आगे वर्क करते हैं तो प्लस 1 बराबर 0। प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि यहां से क्या कॉमन हो रहा है, तो x x तो कॉमन हो रहा है, साथ में 10 भी कॉमन हो रहा है, तो 10x को कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 10x माइनस 1। जो ब्रैकेट में आता है उसको फिर से लिख देते हैं। अब आप बताइए कि tan x के आगे हमको माइनस चाहिए, तो यहां तो tan x है, अब माइनस लाने के लिए आप कितना से गुना करेंगे, तो माइनस x से बराबर 0। अब यहां पे प्यारे बच्चों देख पा रहे होंगे कि अब जब इसका गुणनखंड किया जाता है तो इस tan x माइनस इस tan x को और इस माइनस 1 को एक साथ लिखते हैं, और ब्रैकेट वाले को एक बार लिखा जाता है जो दो बार रहता है बराबर 0। अब इसके बाद भी आप इसका आंसर ला सकते हैं, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, और दोनों को 0 करके x का मान आप निकाल लीजिएगा। तो प्यारे छात्रों पहला का जो पांच क्वेश्चन था द्विघात समीकरण को हल करने वाला, कुछ इस तरीके से उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, लिखा हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1, तो प्यारे बच्चों आपको पीछे पलटना होगा, किताब होगा आपके पास, तो कि उदाहरण 1 जो है कहां दिया हुआ है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि उदाहरण 1 में जो जो क्वेश्चन दिया था उसको आप हल कीजिए, माने कि x का मान निकालिए। तो प्यारे बच्चों उदाहरण 1 जो मिलेगा वो पेज नंबर 79 में मिलेगा।
पेज नंबर 79, वहां पे आपको उदाहरण एक मिलेगा। और उदाहरण एक में प्यारे बच्चों दो को सवाल है, पहला और दूसरा। पहला सवाल है जॉन और जीवंतु दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ये वाला से सवाल है। और दूसरा है कुटीर उद्योग वाला सवाल है। तो इसके नीचे एक समीकरण दिया हुआ है, यानी कि पहला में जो समीकरण दिया है वो कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 324। प्यारे बच्चों ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर 45x और 324 बराबर जीरो दिया हुआ है। यानी कि जब आप उदाहरण एक पलटेंगे पेज नंबर 79 में, तो वहां से पहला वाला का द्विघात समीकरण बना के दे दिया है। अब सवाल दूसरा में ये बोल रहा है कि उदाहरण एक का जो समीकरण आया है ना, आप उसको गुणनखंड विधि से एक्स का मान निकाल के दिखाइए। समझ रहे क्वेश्चन? अब उदाहरण एक में एक और क्वेश्चन है कुटीर उद्योग वाला, उसका आया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर में जीरो। तो प्यारे छात्रों आपको जो है ये इस क्वेश्चन को आपको अपने तरीके से गुणनखंड तोड़ना है, क्योंकि सब जो लफड़ा है वो गुणनखंड का ही है। अगर आप गुणनखंड बढ़िया से तोड़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे प्रॉब्लम उन लोगों को आ रहा है जिन लोगों को गुणनखंड नहीं तोड़ने आ रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि गुणनखंड ये दोनों का कैसे करेंगे। सबसे पहले कि पहला का सिर्फ हम गुणनखंड तोड़ के दिखा देते हैं कि कितना में। देखिए गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि आप बीच वाला को कितना में डिवाइड करेंगे, कितना में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर उतना आ जाए और गुना करने पे 324 आ जाए। तो पहला सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं, हालांकि ये दूसरा में क्वेश्चन उदाहरण से बनाना था, उदाहरण से आप समीकरण लिख लीजिए और उसका आपको बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 324। अब 324, अब हम क्या बोले हैं कि एक्स स्क्वायर वाला और बिना x वाला को गुना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, एक, और बिना x वाला कितना है, 324। तो 324 को एक से मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्यारे बच्चे कितना आएगा, 324। अब इसको आपको भाग लगाना है, तोड़ना है, ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 45 आ जाए। तो दो से लगाएंगे, दो एकम दो, दो छक 12, दो अठे 16, 81 बार में, फिर दो से नहीं लगेगा, तीन से 27 दिया 81, फिर तीन 9 से, फिर तीन 3 से लगेगा। प्यारे बच्चों अब हम लोग को इस तरीके से हम लोग को करना है, जरा देखते हैं कर करके कि दो और दो को एक साथ लिए तो दो दूना का 4 और तीन त्री के 9, 9 तीय 27, 27 दिया 81, 81 में 4 जोड़ने से भी नहीं आएगा, 81 में 4 घटाने से भी नहीं आएगा। चलिए हटाइए, अब 3 को लेते हैं ऊपर वाला, 2 दूना का 4, 4 ती आई 12, 12 को लेंगे और 3 3 के 9, 9 ती आई 27, 27 और 12, तो 27 और 12 कभी 45 नहीं होगा, और 27 में से जब 12 घटाएंगे तब पर भी 45 नहीं आएगा। चलिए ये भी कैंसिल, तब हम लोग ऊपर का 4 फुल लेकर ट्राई करते हैं। देखिए हम लोग जो गुणनखंड सीखे हैं ना 8th 9th क्लास में, यही तो है मैथ्स। आपको सोचना है, दिमाग पर जोर डालना है कि 45 कैसे आखिर आएगा। तो हम लोग ट्राई करना पड़ता है कि कितना कितना में तोड़ेंगे कि ऐसा आएगा। तो अब आगे ट्राई करते हैं, 2 दूना का 4, 4 तीय 12, 12 तीय 36, 36 लेते हैं, 36 को एक तरफ और 3 3 के 9 को एक तरफ। तो जी हाँ बहुत बढ़िया सफलता, 36 और 9 मिलकर 45 और 36 और 9 को गुना करने पर 324। यानी प्यारे बच्चों गुणनखंड में हम लोग वैसे ही चीज को तोड़ते हैं जहां पे जोड़ने घटाने से बीच वाला है और गुना करने से 324 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ दिए 9x प्लस 36x प्लस 324 बराबर जीरो। अब प्यारे बच्चों यहां से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन हो रहा है, तो यहां हो जाएगा एक्स, यहां हो जाएगा 9, और जो चीज यहां रखते हैं वह चीज यहां भी रखना पड़ेगा, x प्लस 9। अब आप बताइए कि
यहां तक के तो काम हो गया ना 9x। अब बताइए यहां हमको 36x चाहिए और यहां है क्या अभी x, तो कितना और चाहिए, तो 36। 36 को x से गुना करेंगे 36x और 36 को 9 से गुना करेंगे 324 बराबर 0। जब गुणनखंड में हम लोग सीखे हैं कि x प्लस 9 जो ब्रैकेट में रहता है उसको ब्रैकेट में ही छोड़ देते हैं और बिना ब्रैकेट वाले को एक साथ लिखते हैं, तो बिना ब्रैकेट में x है और बिना ब्रैकेट में प्लस 36 है, तो इसको एक साथ लिख दिए x प्लस 36 और x प्लस 9 को एक साथ बराबर 0। प्यारे बच्चों अब इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में, यानी कि दूसरा का ही दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 प्यारे बच्चों बराबर 0। अब हमको इस तरीके से तोड़ना होगा बच्चों कि हमको जोड़ने घटाने से कितना है, जोड़ने घटाने से आए। प्यारे बच्चों एक हमसे गलती हुआ है क्या, यहां पे माइनस में चाहिए होता है, माइनस 45x है क्वेश्चन में, हम लिख दिए हैं प्लस। तो जरा इन चीजों को आप ध्यान में सुधार कर लिख लीजिएगा, जब माइनस है तो इसको आप तोड़िएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x ठीक है प्लस 324। यहां पे मेरे से गलती हुआ प्यारे बच्चों, यहां पे प्लस हमसे मिस्टेक से लिखा गया है, आप माइनस करके बनाइएगा क्योंकि माइनस भी आया हुआ है, तो माइनस है तो माइनस 9x और माइनस 36x तो माइनस 45। अब इसमें कॉमन कर लीजिएगा x, तो यहां हो जाएगा x माइनस 9, यहां भी x माइनस 9 कर दीजिएगा, यहां हो जाएगा माइनस 36, तो कुल मिलाकर x माइनस 36 और x माइनस 9 आ जाएगा। तो आप कर लीजिएगा, इतना सुधार कर लीजिएगा। फिलहाल हम दूसरा क्वेश्चन को भी बता रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। पहले बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है उदाहरण में। अब आपको क्या करना है कि इसको गुणनखंड द्वारा सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर के आगे है 1 और बिना एक्स वाला कितना है 750, तो 750 को एक्स से गुना करेंगे तो होगा 750। अब 750 को तोड़ना स्टार्ट कीजिए, तो 2 से लगेगा, 2 तीय 6, 2 सत्य 14, 375, फिर 5 से डायरेक्ट लगेगा, नहीं 3 से भी लगेगा प्यारे बच्चों, तो 3 से लगाइए तो 125 और फिर किससे लगेगा, तो डायरेक्टली 5 से लगेगा, कितने बार में 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में। अब जरा जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 55, तो जरा हम देखते हैं 3 दुना का 6, 6 पचे 30, ये 3 को लिए हैं हम, 3 दुना का 6, 6 पचे 30 और 5 पचे 25, तो देखिए तो 30 और 25 जोड़ के आता है ना 55, तो जी हाँ बिल्कुल आता है, तो आप इसको फटाफट तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस कितना 750 बराबर 0। अब आप बताइए कि एक्स स्क्वायर और 30x में क्या कॉमन है, तो 30 कॉमन है, सॉरी x कॉमन है, तो x कॉमन कर लीजिएगा, तो x माइनस 30 और जो यहां ब्रैकेट में आता है यहां पे भी हम लोग वही रखते हैं, तो x माइनस 30 कुछ जगह छोड़ के। अब यहां पे हमको क्या लाना है माइनस 25x, यहां है क्या फिलहाल x है, तो इसमें कितना से गुना किया जाए कि माइनस 25x होगा, तो माइनस 25 से बराबर 0। अब क्या हम लोग जानते हैं कि जो बाहर है उसको x है, तो बाहर में x है और बाहर में माइनस 25 है, तो x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर कितना 0। अब इसके बाद का क्रिया दो भाग में आप जानते ही हैं तोड़ना, उसको आप खुद से भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे जो पहला का जो टोटल क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने किया और दूसरा का जो उदाहरण वाला क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने किया, यानी कि पहला और दूसरा का क्वेश्चन का पूरे तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर लिए हैं। प्यारे बच्चे जो क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं अधूरा, आप प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और बाकी का इसमें और जो क्वेश्चन है तीसरा से लेकर छठा तक की क्वेश्चंस, इसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे।
अगले दिन हम लोग ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, धन्यवाद।